आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल होम गार्डन पर। दोस्तों, इस वीडियो से आप जान सकेंगे नींबू लगाने में क्या सावधानियां रखें, नींबू के पौधे पे फल और फूल क्यों नहीं आते, और नींबू के लिए किस प्रकार का गमला और किस प्रकार की मिट्टी प्रयोग करें। मैं हूं रविंद्र। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये हमारा चाइना नींबू का एक पौधा है जो हमने छत पर लगाया हुआ है, गमले में लगा हुआ है, और इसकी फ्रूटिंग आप देख ही पा रहे हैं काफ़ी हैवी हो रही है। आप सभी हमसे अक्सर पूछते रहते हैं कि आप जो भी नींबू के पौधे लगाए हुए हैं गमले में, उस पर फ्लावरिंग नहीं आ रही है या फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो आज हम वही जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्या क्या सावधानियाँ आप रख सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फल आप अपने पौधों से पा सकते हैं। सबसे बुनियादी चीज़ है मिट्टी और खाद। ध्यान रखिए, अगर आपने गमले में नींबू या कोई भी फ्रूट प्लांट लगाया हुआ है तो उसमें महीने में दो बार वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट या गोबर खाद ज़रूर लगाएं। अगर ये खाद आपके पास नहीं है तो नीम खली का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। हमने यह पौधा गमले में लगाया हुआ है तो गमले की लेंथ का भी विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके नींबू के पौधे पर फल आएँ और आप नींबू खा सकें, तो ध्यान रखिए 16 इंच से बड़ा गमला लेने की कोशिश कीजिए। आपने बड़ा गमला ले लिया, फिर उसमें पानी निकलने की सही व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होता है कि जब पानी नहीं निकलेगा, पानी इंडोर हो जाएगा उसमें, तो वह पौधे की छोटी रूट्स गला देगा और पौधा सूखने लगेगा। कभी कभी मैंने देखा है हमारे व्यूअर गमले में पूरी तरह मिट्टी नहीं भरते, आधा भर देते हैं, पौधा लगा देते हैं। यह सही नहीं है। गमले को पूरी तरह मिट्टी से भरिए, उसके बाद उसमें पौधा लगाइए। नींबू के साथ दो समस्याएं हैं कि अगर पानी नहीं देंगे तब भी परेशानी है, और ज़्यादा पानी देने पर भी इसमें समस्या आती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जब फल आ जाए तो ये नमी आप देख पा रहे हैं मेरे गमले में, इतनी नमी होनी चाहिए सुबह शाम। दोपहर में धूप पड़ती है, कोई समस्या नहीं है, सुबह शाम आपको हल्की वाटरिंग कर देनी है। लेकिन जब फूल आ रहा हो पौधे पर, फ्लावरिंग हो रही हो, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, ये समस्या वाली बात है। लेकिन अभी हमें फल बचाना है तो हमें वाटरिंग करनी होगी, लेकिन केवल जब फ्लावरिंग हो रही है उस समय आप पानी ज़्यादा ना दें। फूल आ रहा है या फल लग रहे हैं तो ये समय है कि अब हम यहाँ खाद दे सकते हैं। खाद बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनिक खाद, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट या गोबर खाद, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर ये नहीं है तो आप मार्केट से, नर्सरी से नीम खली की खाद ले सकते हैं। नीम खली की खाद 5 गुना कम मात्रा लगाइए। जैसे मैं 50 ग्राम गोबर खाद बता रहा हूँ तो आप वहाँ 10 ग्राम नीम खली लगा सकते हैं। महीने में दो बार लगानी है। गमले में गुड़ाई तब करनी है जब आप देख लें मिट्टी डंप हो गई हो, उस समय आप हल्की गुड़ाई कर सकते हैं। नींबू पर रोग की जो स्थिति है वो मकड़ी द्वारा आती है। पत्तियाँ क्वैर होने लगती हैं, गिर जाती हैं, तो मकड़ी के लिए, स्पाइडर के लिए कोई भी दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं। नींबू पर फल ना आने के दो कारण होते हैं। पहला कारण है कि आपके गमले में मिट्टी कम है, और अगर पौधा पीला पड़ रहा है तो उसमें हो सकता है जड़ों में कीड़ा लग गया हो, दीमक लग गया हो, तो उसके लिए आप दीमक की दवा लगाइएगा। दूसरी स्थिति होती है, हम लगातार पानी देते रहते हैं, पौधे को छाया में रखते हैं, जबकि पौधे को सख्त धूप की ज़रूरत होती है। नींबू एक ऐसा पौधा है जिसे ज़्यादा धूप चाहिए। तो आपने छत पर लगाया तो उसे बिल्कुल आउटडोर रखें, जहाँ पर सूरज की तेज़ धूप आ सके। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो शेयर करने लायक है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।